राम राम दोस्तों, आप सभी का एनडीआर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सभी माता बहनों ने, बड़े छोटे भाई ने, सभी नवीन उन्होंने तब से हाथ जोड़कर नमस्कार प्यार भरा राम राम। राम राम दोस्तों, अब हम आपको मिलाना चाहते हैं बड़े भाई करण पिलाना से। नमस्कार जी। सर जी, आपका ये लग रहे हैं गाँव में, आपका कितना सहयोग रहा है इसमें? पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को राम राम। और सबसे पहले मैं ये अपील करूँगा कि जितने भी लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि और भी जो लोग हैं वो प्रोत्साहन इस चीज़ को बढ़ावा दें। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अनिल सर के बारे में आपको क्या बताऊँ, मैं खुद आज से 4 महीने पहले खुद बेरोजगार कोरोना। ठीक है। अनिल सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने भाई भी मेरी जॉब लगवाई। ठीक है। और मेरी नहीं, आप लगभग इस एरिया के 150 से 200 बच्चों को रोजगार दे चुके हैं सर। ये नहीं है कि एक रक्तदान शिविर, एक जो अपना अलग से जो सर अपना चला रहे हैं, जैसे अपना आंखों का चेकअप वगैरह, तो जिनका टारगेट है वो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ में युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं सर। रोजगार भी दे रहे हैं। और मैं तो एक यही चीज़ चाहूँगा कि भाई ऐसे तो चार ओवर सब मिल जाए, तो जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिल जाए। ऐसे नए इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो निस्वार्थ लोगों की भलाई कर रहा है। ठीक है। उसको ये नहीं कि ये दादरी लगा है, ये रोहतक का लगा है, या फिर ये कौन सा लगा, उनको अपने काम से मतलब, काम से मतलब। जैसे वो हमारे जैसे पूरे एरिया के अंदर समाज सेवा करते हैं, कंपनी से बाहर निकल के समाज सेवा की तरफ उनका फोकस रहता है, ऐसे ही उनका कंपनी के अंदर भी कंपनी के प्रति फोकस रहता हूँ। तो ऐसे इंसान को भाई मैंने शायद भगवान को नहीं देखा, लेकिन एक ये ऐसे इंसान हैं जिनको मैंने भगवान की रूप में देखा। करण सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कितने दिनों से आप ये सहयोग कर रहे हैं आप अपनी तरफ से? जी, मैं लगभग 4 महीने से सर के साथ हूँ, और इस कार्य में सहयोग दे रहा हूँ। इस कार्य में आपको आनंद आ रहा है, खुशी आ रही है? बिल्कुल। एक खुशी होती है पैसे की, हाँ जी, दूसरी खुशी होती है अंदरूनी। हाँ जी। तो हमारी दोनों खुशी सर के साथ में, अनिल सर के साथ में है, क्योंकि पहली चीज़ हमारे को जॉब की जरूरत थी, जॉब सर ने हमारे को दिलाई, और हम ईमानदारी से उसके प्रति कार्य कर रहे हैं अपना। दूसरी चीज़ अंदरूनी खुशी, वो हमारे को ये समाज सेवा करके, अनिल सर के साथ में ये कार्य करके, ये अंदरूनी खुशी मिलती है। सर, आज ये करण सर आपके गांव में, पिलाना गांव में आज ये जो शिविर लगाया हुआ है रक्तदान शिविर, इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या सहयोग रहा है गांव वालों का? गांव वालों की तरफ से ये रहा कि ये भाई फर्जी है, या ये रहा कि हम सब अपना रक्तदान करेंगे? सर देखो, पहली बात करूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा अपने गाँव के अंदर पहला कार्यक्रम पैदा सर। हाँ। और इसमें जो मेरे साथी हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, उन्होंने इतना सहयोग दिया है कि अभी तक 15 यूनिट हो चुके हैं, और 12 लड़के बैठे हुए हैं, उनके अंदर उत्साह है कि ये भाई मेरे को गाँव में करने बोलते हैं, करने नाम से जानते हैं सभी, तो करने ने कैंप लगवा, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आज तक गांव में कभी मैंने कि मेरी इमेज है ठीक है, मैंने आज तक कोई ऐसा गलत कार्य किया ही नहीं गाँव में, ताकि मेरी इमेज खराब हो, और कुछ हमारे को ऐसे सर मिल गए, उनके सहयोग से ये कार्य आज मैं करवा रहा हूँ गाँव में, और युवा में आज जोश हो। अच्छा सर, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, आप इस कार्य में कितने आगे तक पहुँचने की कोशिश? सर के साथ में लगभग 1000 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है, और लगभग हम इसको पूरा करेंगे। राम राम दोस्तों, थैंक यू सर। ओके सर। राम राम दोस्तों, हम आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए, सभी ने एनडीआर न्यूज चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय भारत। जय गोवा।